बेटा हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 की रिलेशन एंड फंक्शन। पर इस क्लास के इस क्वेश्चंस को करने के लिए इजी है वैसे तो, पर एक चीज को दोबारा रिवाइज करते हैं, एक बार एक रिवीजन करते हैं कि 1-1 फंक्शन क्या होता है जिसे इंजेक्टिव भी कहते हैं, और ऑन टू फंक्शन क्या होता है जिसे सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ठीक, उससे पहले एक चीज देखो बेटा, सबसे पहले मानो ये कोई फंक्शन है मेरा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में हो रहा है कोई रिलेशन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ठीक, ये क्या होता है बेटा, इसे हिंदी में बोलते हैं अंडा और इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल, है ना, ओव्यूल का मतलब अंडा ही होता है वैसे। ठीक, मान लो ये पहला और ये दूसरा, तो इसको बोलते हैं बेटा डोमेन, पता ही है आपको ये बात तो, 11th क्लास से सुन सुन के कानों में खून निकल चुका है। और इसको बोलते हैं बेटा रेंज। लेकिन एक बात याद रखना कि डोमेन और रेंज में एक रिलेशन होता है। जैसे कि मान लो मेरा फंक्शन है एफ एक्स, कोई मेरा फंक्शन है जिसमें फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स मेरा कोई फंक्शन है जो है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के, और मैं क्या ले रहा हूँ, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ले रहा हूँ। ठीक, अगर मैं बेटा इसमें नेचुरल नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर में क्या भरूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 यही भरूंगा। अगर बेटा 1 भरूंगा इस फंक्शन में तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 आएगा, 2 भरूंगा तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, 3 भरूंगा तो मतलब 9 आएगा, 4 भरूंगा तो 16 आएगा, और ऐसी सो ऑन बात चलती रही। बात समझ में आ गई? तो बेटा एक्चुअली जो रेंज क्या है, तो 1 की रेंज है 1, 2 की रेंज है 4, 3 की रेंज है 9 और 4 की रेंज है 16। बात समझ में आ गई? ठीक, अब बेटा इसमें एक और टर्म आती है जो हम पहले सुन रहे थे बेटा, वो होती है इमेज। क्या होती है? तो बेटा इमेज रेंज को ही बोलते हैं, इमेज रेंज को ही बोलते हैं। ठीक है, और डोमेन को कई बार हम इनपुट भी बोल देते हैं, है ना। तो ये बात मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके की होती है, और ज्यादातर क्वेश्चन को थ्योरेटिकली सॉल्व करना है और आंसर थ्योरेटिकली देने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। इसलिए इस कंफ्यूजन को मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, यही सही यूज ऑफ टाइम हो रहा है इस टाइम। तो रेंज और इमेज एक ही बात है, लेकिन बेटा यहाँ पर एक चीज आती है, कोडोमेन। क्या कोडोमेन? अब ये क्या चीज है, क्या ये एक ही बात है बेटा? ये एक बात भी है और एक बात नहीं भी है। अब बोलेंगे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा, इस डब्बे के अंदर, इस अंडे के अंदर, इस ओव्यूल के अंदर एक बात बताओ, ये भी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो रहा था, तो यहाँ भी तो टोटल सारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए थे। तो यहाँ पर एक्चुअली नंबर कौन कौन से थे? 1 था, 2 भी था, 3 भी था, फिर 4 था, फिर 5 भी था, फिर 6 भी था, फिर 7 भी था, फिर 8 भी था, फिर 9 था, फिर 10, तो इतने सारे नंबर बीच में थे, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। यहाँ भी नेचुरल, यहाँ भी नेचुरल, लेकिन बेटा रिलेशन जो बनी, जो इस फंक्शन में डालने के बाद जो हमारी रेंज बनी, जो इमेज आई, वो कुछ ही नंबर्स आए, बाकी कुछ नंबर छूट गए। तो कोडोमेन की जब मैं बात करता हूँ, तो मेरे कोडोमेन में वो सारे नंबर आते हैं जो इस अंडे में मौजूद है, और अगर मैं बात इमेज की या रेंज की करता हूँ, तो सिर्फ वो नंबर आते हैं जिससे ये नंबर पुट करने पर फंक्शन में, और वो फंक्शन मेरा निकल कर आया, इमेज आई या रेंज आई या आउटपुट निकल कर आया, ये कह सकते हो। अगर ये इनपुट था तो ये आउटपुट निकल कर आया। बात क्लियर हो गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन बचेंगे नहीं, अब सारे क्वेश्चन ऐसे गिरेंगे, तो कैसे गिरेंगे पता नहीं, पर गिर जाएंगे। अब बेटा एक्सरसाइज निकालते हैं जरा, ये रही आपकी किताब, ये खूनी किताब है। खूनी किताब इसलिए बोलता हूँ इसे क्योंकि बेटा ये खून मांगती है बच्चों का, और यही मांगती है सिर्फ, इसके अलावा कहीं और खून दोगे तो नंबर कम हो जाएंगे। ये एनसीईआरटी, यहीं से आएगा बोर्ड का पेपर। देखो बेटा, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो अब समझते हैं। ये कह रहा है कोई फंक्शन है, दिखाओ, शो दैट, मतलब दिखाओ, आपको कुछ शो करना है। क्या करना है कि फंक्शन आर स्टार से आर स्टार डिफाइन बाय फंक्शन, मतलब क्या रखा है, आर से आर, आर से आर, आर क्या होता है, रियल नंबर। फंक्शन क्या रखा है, x इक्वल्स टू 1 बाय x, ये 1-1 है एंड ऑन टू है। ये बोल रहा है आर क्या है, आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, रियल नंबर हो पर जीरो ना हो। ठीक है भाई, जीरो नहीं लेंगे, इज ट्रू, चेक करो। अब बोल रहा है जब ये तुम निकाल लो, तो एक काम और करना है, इसके सेकंड स्टेप में आर की जगह पर एन ले लेना, और फिर चेक करना कि काम ऑन टू हो रहा है या 1-1 हो रहा है या नहीं हो रहा। बोलोगे एन क्या हो गया, हाँ, तो रियल नंबर हटाकर नेचुरल नंबर लगा देना, और फिर वही रिपीट करना क्वेश्चन, और देखो क्या होता है और क्या नहीं होता। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको क्या देता हूँ, स्टार दे देता हूँ। और बेटा एनसीईआरटी ने खुद स्टार दे रखा है इसको, आर स्टार है, डबल डबल स्टार।
जो डबल स्टार दे रखा है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर थ्योरी आपकी बढ़िया है, क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है करना, क्योंकि है आसान। देखो बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आर टू आर, ठीक, स्टार टू स्टार। अब फंक्शन दे रखा है एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। अब पूछ रहा है वन वन और ऑन टू है, पहले बता रखा है, हमें प्रूफ करना है, देखना है, चेक करना है, कर लेते हैं भाई। आर क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप को नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप पूरा कर लें। अब रियल नंबर रख लो, कुछ रियल नंबर रख लेते हैं कुछ। अगर बेटा मैंने रियल नंबर ले लिया, मान लो पहले ले लिया वन, क्या ले लिया, अगर मैं वन इस फंक्शन में डालूंगा तो क्या आएगा, वन बाय वन जो होगा वन, टू रखूंगा तो आएगा वन बाय टू, वन बाय थ्री ही रख दूं इसमें तो थ्री हो जाएगा, वन बाय थ्री जो अल्टीमेटली हो जाएगा थ्री। समझ में आ गया? तो आप एक चीज देखो, जो भी नंबर डाल रहा हूं एक अलग ही नंबर आ रहा है, मतलब डोमेन जो भी डोमेन इनपुट हो रहा है, रेंज क्या आ रही है, कुछ अलग ही आ रही है, डिफरेंट ही आ रही है। और बेटा मुझे पता है मेरा ओन टू सॉरी वन वन फंक्शन यही तो कहता है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी रेंज अलग अलग ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वन डाल रहा हूँ तो फिर वन भी वन ही आ रहा है, और फिर टू डाल रहा हूँ तो भी वन आ रहा है ना। अगर ऐसा हो गया तो काम खराब है। तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज डिफरेंट या यूनिक यूनिक। तो इसका मतलब ये एक वन वन फंक्शन हो गया। क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। इससे बेटा एक अलग तरीके से भी सॉल्व करना पड़ता है या करना होता है, आपकी मर्जी है, इससे कर लेना चाहे इससे कर लेना। अब आप पूछोगे सर किससे खुश होंगे, नंबर किससे मिलेंगे, तो बेटा नंबर मिलेंगे नीचे वाले से, बढ़िया वाले ऊपर वाले से खींच के मिलेंगे। अब ये क्या कहता है, तो बेटा हम एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी ये बोलती है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, मान लो ये एक्स, तो जब एक्स और ये फंक्शन वाई, मान लो एक्स और वाई, ये बोल रहा है जो भी यहाँ डालूं यहाँ पर एक अलग नंबर आए, मतलब एक्स हमेशा वाई के बराबर हो, अलग अलग ना हो। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स है बराबर वन बाय वाई होना चाहिए। अगर ये एक्स है तो वो और दूसरा एलिमेंट बना यहाँ वाई का एलिमेंट है, तो मेरा एवरी एक्स एलिमेंट इज वाई एलिमेंट के बराबर होना चाहिए और किसी और के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये वन वन फंक्शन ही कहना चाह रहा है, पर कहना चाह रहा है थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसा? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ के एक्स को यहाँ के वाई के बराबर पुट कर दूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेट बिल्डर फॉर्म, तो भी मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, तब भी वन वन प्रूफ हो जाएगा। चलो भैया उस तरीके से भी करके देख लेते हैं। मान लो एक्स और वाई दो नंबर है, वो क्या है, रियल नंबर ही है, एक्स और वाई को रियल नंबर ही है, और मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स, ठीक। और अगर मैं फंक्शन ये वाई के ले लूं दूसरे के लिए, तो ये हो जाएगा एफ वाई इसका सुमन बाय वाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं दोनों नंबर रियल नंबर है, क्या है, दोनों नंबर रियल नंबर है, तो यहां भी अगर मैं एक्स रखूं यहां पर निकलकर वन बाय एक्स आ रहा है, यहां मैं वाई रख रहा हूं वन बाय वाई आ रहा है, एक्स भी एक रियल नंबर है, वाई भी एक रियल नंबर है, रेंज भी मेरी, डोमेन भी मेरा रियल नंबर और रेंज भी मेरी क्या आ रही है, रियल नंबर, और यहां मेरी डोमेन मेरा रियल नंबर और निकल कर क्या आ रहा है, रेंज रियल नंबर। तो मैं कह तो सकता हूँ हाँ भाई एफ एक्स और एफ आई बराबर है, और अल्टीमेटली क्या है, वन बाई एक्स इक्वल टू वन बाई वाई है, और अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, एक्स बराबर वाई तो प्रूफ होगा, तो अल्टीमेटली एक्स बराबर वाई प्रूफ हो गया। लो जी ये वाली थ्योरी भी हमने क्या कर दी, फुलफिल कर दी। इस हिसाब से मैं इसे वन वन कह सकता हूँ। जो पेपर में याद आ जाए कर देना, क्वेश्चन मत छोड़ के आना, कुछ ना समझ में आए तो ये कर देना। अगर याद रहे क्वेश्चन स्टार स्टार वाला, याद ही रहेगा भूलोगे नहीं, तो ये कर देना, ठीक। ये करोगे तो टीचर खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। अब जरा इसका ओन टू भी चेक कर ले, क्या ओन टू भी चेक कर ले बेटा। ओन टू क्या होता है, ओन टू का मतलब होता है कि मेरी डोमेन और मेरा ये को डोमेन जो है, रेंज जो है, इसके अंदर को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, क्या खाली नहीं छूटना चाहिए, सबका कनेक्शन बन जाना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ रेंज डोमेन के बराबर होनी चाहिए। अब क्या बोलोगे, दोबारा इसको डीप समझो, दोबारा समझो एक बार। देखो बेटा जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं अभी और थोड़ा सा मांझने की जरूरत है उन्हें मैं मांझ रहा हूं, देख लो एक बार क्लियर हो गया ना तो आगे क्वेश्चन ऐसे भगेंगे कि पता नहीं कैसे भगेंगे, बहुत तेज हो जाएंगे। देखो ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है, और ये रेंज भी है तो ये कोडोमेन भी है, और रेंज का मतलब वो इमेज भी है, और मैं शुरू में ही समझा चुका हूँ रेंज और इमेज वही होती है जिसका रिलेशन बन जाता है। वही अपना नेचुरल नंबर वाला केस ले लो, तो यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 है और फंक्शन मेरा f इजिकल्स टू x का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करने से 1 और 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है, तो बीच में कितने नंबर मिस हो गए, 2 और 3,
ठीक। तो मेरा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है मेरे सारे नंबर, कोडोमेन मेरे क्या है सारे नंबर, और रेंज मेरी क्या है जिनसे संबंध बन रहा है। अब मेरी कोई बेटा इस तरीके की एग्जांपल बन जाए कि यहाँ पर एलिमेंट है 1 2, और बेटा डालने पे भी क्या आ जाए मेरा, मैं मान लो मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स नेचुरल नंबर, तो वन एक्स रखूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 2 आएगा, तो मेरा 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2, और सो ऑन चलता रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये देखो इस कोडोमेन में कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2 ही एलिमेंट है, और रेंज की बात करें तो इमेज भी 2 ही है। तो यहाँ पर कोडोमेन और रेंज दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट छूटा तो नहीं, कोई भी एलिमेंट छूटा तो नहीं। तो बेटा यही एक केस हो सकता है जिसके अंदर ये ओन टू प्रूफ हो सकता है, और ओन टू का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट छूटे ना। तो बेटा इसे एनसीईआरटी क्या कह देती है, इसे एनसीईआरटी कह देती है अगर ओन टू प्रूफ करना है तो बस इतना सा प्रूफ कर दो कि जो रेंज आ रही है डोमेन की वो को डोमेन के बराबर है। इसका मतलब सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तभी ये कंडीशन हो सकती है। अगर रेंज और को डोमेन बराबर है तो इसका मतलब कोई एलिमेंट छूटा ही नहीं, तभी ये कंडीशन हो सकती है। और अगर ये मैं कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक। तो आप बेटा इसको नॉर्मल तरीके से अगर चेक करो तो आप खुद बताओ क्या 1 रखने पे 1, 2 रखने पे 1/2, 1/3 रखने पे 3 आ रहा है। लेकिन आप एक बात बताओ कि क्या ये इस हिसाब से जो ये बन रहा है, क्या ये इस हिसाब से ओन टू है या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ जी इसके सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हो रहे हैं। लेकिन बेटा हमें तो प्रूफ करना है इसको एनसीईआरटी के नंबर बेसिस पे। मैंने आपको सारी बात समझा दी है, अब एक बात समझो, एनसीईआरटी बेटा इसी बात को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखता है, ठीक है, कैसे लिखता है सेट बिल्डर फॉर्म में देखो। तो बेटा लिखता है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब जो भी मैं एक्स को एलिमेंट रखूं वो y के बराबर होना चाहिए, आगे सामने वाले कोडोमेन के y के बराबर होना चाहिए, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। मतलब फंक्शन x बराबर y मुझे प्रूफ करना है, अगर ये मैं प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। देखो बेटा कैसे प्रूफ किया हमने, पहले तो हमने फंक्शन लिया, क्या है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक। फिर हमने लेट किया कि y भी कोई एलिमेंट है यहाँ पे, y भी कोई क्या है यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है भाई मान लिया, रिलेटेड टू r स्टार मतलब रियल नंबर है कोई, नॉन जीरो रियल नंबर है कोई, ठीक। तो इसकी जगह मैंने y पुट किया, x की जगह पे क्या किया y पुट किया, क्या आया y इक्वल टू 1/x। और अगर मैं x की वैल्यू निकालूं यहां से, x की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/y। अब मेरे पास एक x की वैल्यू है, ये मेरे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन में मैं इस x की वैल्यू को पुट कर दूंगा। जब मैंने इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू डाली तो मेरा क्या आया, x की जगह पे 1/y, तो 1/1/y, और 1/1/y अल्टीमेटली क्या है fx बराबर y, और ये ही मुझे प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया इसे, और इसलिए ये मेरा ओन टू फंक्शन है या सब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है बेटा। आई होप समझ में आएगा क्वेश्चन। अब बेटा जरा अगले क्वेश्चन को करने से पहले इसका सेकंड पार्ट भी कर लें। अब इसके सेकंड पार्ट में बोला क्या था बेटा, इसके सेकंड पार्ट में ये बोला था अगर हम रियल नंबर को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, क्या होगा, वही करना है बस, क्या होगा तो देख लेते हैं भाई क्या होगा। अब रियल नंबर हमें नेचुरल नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4, और फंक्शन मेरा क्या है एफ इक्वल्स टू 1/x। 1 रखूंगा तो 1 ही रहेगा क्योंकि 1/1 तो 1 होता है, 2 रखूंगा तो 1/2, 3 रखूंगा तो 1/3, 4 रखूंगा तो 1/4 हो जाएगा। तो मुझे दिखाई तो दे रहा है बेटा एवरी यूनिक डोमेन के लिए, अभी बात थोड़ी सी हटेगी ना, खुद देखना। अब हमने क्या देखा, एवरी डोमेन के लिए एक अलग इमेज है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये एक यूनिक इमेज है हर एक अलग डोमेन के लिए, दैट्स व्हाई इट इज अ 1-1 फंक्शन। लेकिन अब ऑन टू में गड़बड़ हो जाएगी, कैसे हो जाएगी देखो, क्योंकि बेटा यह 1 का 1 आया, 2 का 1/2 आया, अभी खुद देखो यहां पर जो रियल नंबर या हमारे आ रहे हैं बेटा, इनके बीच में ये भी तो होगा 2 3 4, जो कि यहां पर नहीं है, मतलब ये है कहीं बीच में पर उनके साथ कोडोमेन छूट गए वो नंबर, और वो नंबर छूट गए इसका मतलब सबके साथ तो रिलेशन बना नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया रेंज इज नॉट इक्वल्स टू डोमेन, या मैं ये भी कह सकता हूँ, देखो इसको ये बात समझना कि रेंज जो है सबसेट है कोडोमेन का। अब आप भैया थोड़ा सा 11th क्लास को ध्यान में रखते हुए ध्यान लगाएंगे, अपने माता पिता को याद करेंगे और 11वीं क्लास की तरफ मूवमेंट देंगे, और मैं थोड़ा सा समझा दूँ इस चीज को। देखो बेटा रफ कॉपी, बहुत आसान बात बोली है, अभी आप देखोगे तो बोलोगे अरे क्या बताया था, ये तो बड़ी आसान बात है, ये वही बात हो गई घूम फिर के। देखो अगर अगर रेंज बराबर कोडोमेन के बराबर नहीं है ना, तो ये समझ लेना कि रेंज जो है वो ये सबसेट का साइन होता है, वो बेटा कोडोमेन की सबसेट ही होगी,
अब आप बोलोगे यार क्या भैया ये पीछे छोड़ रही है अरबी क्लास है। देखो अब कुछ नहीं है, जरा प्यार से समझो इसे। सबसे पहले बेटा एक बार याद दिला देता हूँ, ये सबसेट होता क्या है। सबसेट होता क्या है बेटा? सबसेट होता है, मान लो मेरा कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर का एक सेट है। अब मैं इसका सबसेट बनाने बैठ जाऊं तो इसके सबसेट क्या बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 नहीं ठीक है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 सारे एलिमेंट हो गए। अब बेटा अलग से भी बना सकते हो 1 and 2, 2 and 3, मतलब वही इन एलिमेंट का खुद खुद एक अलग अलग बनाते रहो, या खुद भी खुद का हो जाएगा एक बारी। और 5 मतलब नल सेट भी हो जाएगा जिसमें कोई कुछ नहीं होता, या 5 ले लो बेटा। ये सबसेट होते हैं। सबसेट का मतलब होता है कि ऐसा छोटा सेट जो इस बड़े सेट के एलिमेंट से मिलकर बना हो, वो एलिमेंट उस सबसेट में प्रेजेंट होंगे होंगे क्योंकि आपने इनका यूज करके कुछ छोटे सेट बनाए, वही सबसेट है। अब मैंने बोला कि रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है, दिमाग खोल के समझना इस बात को, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो रेंज पक्का कोडोमेन की सबसेट होगी। अब बोलोगे भैया अब जरा आप समझाई दो, एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। तो लो जी एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो ये मेरा डोमेन है 1, 2, 3 ठीक। अब मेरा कोडोमेन क्या है? मेरा कोडोमेन है, अभी बना पहले रेंज बना दूँ इसकी, पहले फंक्शन दे देता हूँ क्या है। यहाँ मैं फंक्शन दे रहा हूँ f(x)2, जो भी x की वैल्यू रखोगे आंसर आएगा 1, 1 square बराबर हो गया 1, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 9 ठीक, 1, 4 और 9 ठीक। मान लो ये भी नेचुरल नंबर था, ये भी नेचुरल नंबर है। अब मेरी बात समझो, जब तुमने रिलेशन बनाया तो रिलेशन ये आया। कई बच्चे बोर होंगे, उन्हें लगा क्या 12 बजे की बात बताया जा रहा है, लेकिन बेटा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट एकदम मंज जाने चाहिए। ये नंबर छूट गए 5, 6, 7, 8 ये नंबर छूट गए तो कोडोमेन में ये नंबर छूट गए। क्या हो गए? छूट गए। अब जरा इसको एक बार लिख लो, तो जो आपकी डोमेन क्या थी, देखो बेटा प्यार से लिखते हैं, 11th क्लास वाले मोड में लिखते हैं, हो 12th में भूल मत जाना, 1, 2 और 3। लेकिन तुम्हारी रेंज क्या आई? 1, 4 और 9 क्या आई? 1, 4 और 9 अब ये बेटा ये 101 चल रहा है और नेचुरल नंबर का है, तो इसके अंदर भी तो एंड तक 9 होगा ही कहीं। यहाँ भी इसको चलाते रहो तो यहाँ के अंदर भी क्या होगा? 9 होगा ही कहीं। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसका कोडोमेन लिखने लगूँ, ये तो मेरी रेंज है ना, अब जरा कोडोमेन लिखो क्या है इसका। कोडोमेन क्या होता है? सारे एलिमेंट। क्या होते हैं? सारे एलिमेंट। तो कोडोमेन क्या होगा मेरा बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, बहुत लंबी बात जाएगी। अब एक बार जरा यहाँ रेंज को दोबारा लिख के कंपेयर करना, क्या आया था? 1 का 1, 4, 9 यही रेंज। जरा बताना क्या ये रेंज इस डोमेन की सबसेट है या नहीं? बेटा ये 1, 4, 9, 1 ये रहा, 4 ये रहा, 9 ये रहा। तो बेटा अगर मैंने सबसेट क्या बताया था अभी आपको, कि एक बड़े सेट के अंदर से अगर आप एलिमेंट्स लेकर एक छोटा सेट बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सबसेट। तो मैं कह सकता हूँ ना कि रेंज सबसेट है कोडोमेन की, इस केस में जो ये केस मैंने समझाया। और बेटा एक बात बताओ, ये केस है क्या एक्चुअली? ये केस है क्या? ये केस 1-1 तो है, क्योंकि जब भी आप एक नंबर डाल रहे हो अलग रिजल्ट आ रहा है, अलग इमेज बन रही है। लेकिन बेटा अगर मैं बात करें कि ओन टू है या नहीं, तो आप बोलोगे ओन टू नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ही एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज बन रही है, लेकिन बाकी जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बच गए। तो इसका मतलब कोडोमेन क्या है? कोडोमेन में इतने सारे एलिमेंट बच गए, और जब एलिमेंट बच जाए कोडोमेन में तो हम उसे क्या कहेंगे? इट इज़ नॉट ऑन टू। और खुद देखो, जब ऑन टू नहीं होगा, जब ऑन टू नहीं हुआ, तब मेरा क्या आया? मुझे पता चला कि रेंज जो आई वो तो कोडोमेन की सबसेट आई। अब भी अगर समझ नहीं आया ना तो दोबारा देख लेना इस वीडियो को, फिर समझ में आ जाएगा। अब एक बात और समझो, अब एक ऐसी कंडीशन बनाता हूँ, जैसे मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन क्या हो बोलो,
क्या हो, ऑन टू हो, अगर कोई फंक्शन ऑन टू हो, सर्जेक्टिव हो, तो क्या कंडीशन बताई कि रेंज जो है को डोमेन के बराबर आएगी। और ये मैंने समझा भी दी थी कैसे आएगी, को डोमेन में कोई एलिमेंट बच ही नहीं पाएगा, तो बच ही नहीं पाएगा, यही तो चाहिए ऑन टू के लिए, ठीक है। तो एक बार फिर बता देता हूँ, गुस्सा मत करना जो पहले से देख रहे हैं, और जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ उनका क्लियर हो जाएगा, उनके बारे में तो सोचो, पेपर में तो उन्हें कोई दिखाता नहीं। देखो फंक्शन फिर से ले लेता हूँ जी, देखो अब फंक्शन मैंने ले लिया नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर एफ एक्स बराबर एक्स, ठीक, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, नंबर लिए एक दो तीन और चार, ठीक। जब एक्स डालूंगा वन तो आएगा वन, टू डालूंगा तो आएगा टू, थ्री डालूंगा तो थ्री, फोर डालूंगा तो फोर, इतनी सी बात है और आगे तक चलती रहेगी। तो देखो जरा इस केस में क्या हुआ, ये है मेरा डोमेन बेटा, एक बार इसमें पाँच मिनट फालतू लगा लो और फिर तुम्हें पेपर तक इसे बस थोड़ा बहुत देखने की जरूरत होगी। ये आपकी डोमेन हो गई और ये आपकी रेंज भी है, इमेज भी है, इमेज रेंज को है ना जिनसे रिलेशन बन रहा है, और जो छूट जाए या नहीं छूटे सब को डोमेन। अब एक बात बताओ क्या इसके अंदर कोई छूटा, जरा बनाना है या जरा यहाँ पर लिखना क्या क्या हो गया, डोमेन लिखो, वन टू थ्री फोर, रेंज लिखो, वन टू थ्री फोर, को डोमेन लिखो, वन टू थ्री फोर, हो गया ना, रेंज बराबर को डोमेन। और ये कैसी कंडीशन थी, ऑन टू कंडीशन थी, ऑन टू थी, और वन वन तो है ही, वन वन तो है ही, वो तो छोड़ दो क्या बेटा, कलेश यही होती है बच्चों के साथ, बच्चों के साथ इस चैप्टर में कलेश यही होती है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए चैप्टर क्या है, मलाई रबड़ी आसान एकदम, और जिसको ये बात समझ नहीं आती ना वो यही घूमता रहता है एंड तक, ये रोमेन रेंज फेंज फेंज क्या है भैया, मेरे को ना बड़ा मुश्किल चैप्टर है भाई। और ये मुश्किल चैप्टर है नहीं, ये कुछ भी चैप्टर नहीं है, ठीक। अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। तो बेटा दोबारा से अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं, जिन्हें याद हो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे थे, जहां पर हमने रियल नंबर को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया, और जब हमने देखा तो पता चला कि जो रिलेशन बन रहा है वन वन तो है, नंबर डालने पर यूनिक सोल्यूशन मतलब यूनिक इमेज बन रही है, लेकिन बेटा बहुत सारे नेचुरल नंबर बीच में छूट गए जिस वजह से ऑन टू नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस कंडीशन में रेंज जो है को डोमेन की सबसेट हो गई। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी को ये सुनना पसंद है ना, और जो सुनना पसंद है हम तो वही सुनाएंगे, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई, अब जरा क्वेश्चन नंबर दो चेक करो, चेक कर देखो है ना, अब चेक कर देखें तो चेक करो ले। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, चेक करो इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, बताओ भैया वन वन है या नहीं, ओन टू है या नहीं, मतलब इंजेक्टिव है या नहीं, सब्जेक्टिव है या नहीं, आदमी एक ही है, नाम अलग अलग है, बात वही है, नाम अलग अलग है, जो चाचा वही भतीजा है। पहला फंक्शन क्या तरीका है, नेचुरल से नेचुरल, फंक्शन क्या तरीका है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब बोलोगे भैया 10 बार तो इसे समझाया अभी तुमने, अब कोई बात नहीं भाई, फिर से एक बार देख लो, थोड़ा बोर हो लो, इतना भी आसान मत समझो खेल को, समझने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि है आसान। देखो अब फंक्शन क्या हुआ, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, फंक्शन दे रखा है ये, अब तुम बोलोगे भैया इसे तो हम ऐसे छाप देंगे, अभी देखो एक दो तीन चार नंबर ले लिए, नेचुरल नंबर मैंने फंक्शन में डाला, वन डाला तो वन आया, टू डाला तो फोर आया, थ्री डाला तो नाइन आया, फोर डाला तो 16 आया, ओके जी। तो हमारी ये बात तो समझ में आ गई, यूनिक डोमेन डालने पर यूनिक इमेज आ रही है, वन वन तो हो गया, ऑन टू नहीं होगा, क्यों बेटा बहुत सारे एलिमेंट छूट भी तो गए है ना, जब दो डाला तो चार आया, तो दो और तीन तो छूट गया, तो ये जब छूट गए इन्होंने बगावत कर दी, और बगावत करके ये बताया चिल्ला चिल्ला के को डोमेन में हम रह गए, और जब हम रह गए तो ये ऑन टू नहीं होगा, इसका मतलब ये इंजेक्टिव तो होगा, और इसका मतलब होता है बेटा वन वन का इंजेक्टिव, लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। और आप क्या लिखोगे इस कंडीशन को, कि रेंज इज दी सबसेट ऑफ कोडोमेन। अभी बेटा अभी लिख रहा हूँ बस ये बात समझाने के लिए कि रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, लेकिन लिखना यही है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिख रहा हूँ, पेपर में मत छापाना इसे। ना सर पता क्या बोलेंगे, नंबर कम दे देंगे, बोलेंगे तो यही नहीं बात कर ही नहीं पाओगे। देखो
पता ही नहीं कौन पेपर चेक करता है। अगला फंक्शन रखा है जेड टू जेड, जेड क्या होता है इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर, सारे इंटीजर है माइनस प्लस वाला सबको, कोई बता ही नहीं रखा पॉजिटिव या नेगेटिव। फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन एक्स कर लिए। अब मैंने ले लिया भैया इंटीजर, माइनस वन ले लिया, फिर वन ले लिया, फिर माइनस टू ले लिया, फिर टू ले लिया, भाई इंटीजर तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, वन रख माइनस वन रखा तो भी वन आएगा, वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन, वन रखा तब भी वन आया, माइनस टू रखा तो फोर आया, टू रखा तो भी फोर आ गया। जरा चेक करना इसको, मैंने बेटा ये ठीक से ये बनाया ये, और ये सिर्फ करके दिखाने के लिए तुम्हें, और वैसे तुम तो इंटेलिजेंट बच्चों सीधे ये बनाओगे। देखो तो माइनस वन किया चाहे वन किया इमेज क्या बनी एक, माइनस टू किया चाहे टू किया इमेज क्या बनी फोर, मतलब सेम। और बेटा एवरी यूनिक डोमेन के लिए अगर मेरी रेंज या मेरी इमेज सेम आ रही है तो वो कभी भी मेरा वन वन फंक्शन नहीं हो सकता या मेरा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता है। अगला देखो, अब ऑन टू के लिए देखो बेटा, ऑन टू के लिए क्या देखें, ऑन टू के लिए देखें तो इतनी बात तो समझ में आ ही रही है कि भैया मेरे पास, अब जरा देखें तो ये भी बता रहा है ये सर्जेक्टिव है या नहीं है सर्जेक्टिव। क्यों नहीं है कि भैया मेरा कोडोमेन क्या था। अब भाई मेरा कोडोमेन तो कुछ भी हो सकता है ना, अब यहाँ माइनस वन प्लस वन था तो यहाँ नहीं होगा क्या, तो वो बेटा नंबर यहाँ भी तो छूट गए, वो नंबर यहाँ भी तो छूट गए। अगर यहाँ वन था तो यहाँ भी तो माइनस वन इंतजार कर रहा होगा, टू और माइनस टू भी यहाँ भी तो इंतजार कर रहा होगा, वो तो छूट गए। तो बस रिलेशन बनाया एक और चार से, बाकी दे दी गोली, वो गोली लेते थोड़ी ना, वो प्रूफ कर देते चिल्ला चिल्ला के कि हम क्या हैं, हम सब क्या हैं, रेंज इज द कोडोमेन ऑफ सब सेट ऑफ कोडोमेन और नॉट सब्जेक्टिव। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड देखो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिलेशन रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। बहुत आसान, रियल नंबर ले लिया, अब इसमें नॉन जीरो वाली कंडीशन नहीं है भाई, इसमें नॉन जीरो वाली कोई कंडीशन नहीं, जीरो भी ले सकते हैं। तो मैंने पहला ले लिया रियल नंबर जीरो, फिर ले लिया वन, फिर माइनस वन, फिर माइनस टू, फिर टू, ठीक चेक करने के लिए। अब भैया एक्स स्क्वायर वाली बात है, तुम्हें पता है स्क्वायर भी माइनस भी वही निकल कर आता है जो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो जानबूझ के रख रहे हैं हम ये नंबर ताकि हमारी ऐसी कंडीशन बन के आए कि हमारा सेम सेम रिजल्ट दिखाई दे वहाँ पे, है ना, बहुत तेज हो गए हम। देखो तो जीरो रखा तो जीरो आया, लेकिन वन रखा तो वन आया, माइनस वन रखा तो फिर भी वन आया, माइनस टू रखा तो फोर आया, और टू रखा तो भी फोर आया। अच्छा इसका मतलब देखो रिलेशन क्या बना, कि वन रखूं चाहे माइनस वन रखूं एक बन रहा है, टू रखूं चाहे माइनस टू रखूं फोर बन रहा है। इससे मुझे ये बात चलेगी कि एवरी यूनिक डोमेन की यूनिक डोमेन की एक यूनिक इमेज नहीं बन रही, सेम सेम इमेज बन रही है, तो ये क्या है, नॉट इंजेक्टिव, नॉट वन वन, नॉट वन वन। अब जरा सब्जेक्टिव के लिए चेक करो, जब आप बेटा सब्जेक्टिव के लिए चेक करा हमने, जब सब्जेक्टिव के लिए चेक करा हमने तो हमने पाया, फोकस आउट ऑफ फोकस हो गया, पहला फोन ही आउट ऑफ फोकस हो गया, ऐसे समझ नहीं आ रहा शायद क्वेश्चन, पूरे दिन बेचारा क्या क्या सुनता है, कभी केमिस्ट्री सुनता है, कभी बायोलॉजी सुनता है, क्या करे समझ नहीं आता इसे। अब क्या है देखो, अब बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो मैंने यहाँ नंबर लिए, ठीक मेरा कोडोमेन नॉर्मल कोडोमेन यही है इस टाइम, यही मेरा क्या है, यही मेरा कोडोमेन है रियल नंबर का, क्योंकि रियल नंबर तो दुनिया के सारे नंबर है, सबको तो इसमें फिट कर नहीं सकते बेटा, मेरा सारे नंबर इसके अंदर है, जो भी है यही मेरी दुनिया है। तो मैं कहता हूँ भैया मेरा तो कोई एलिमेंट यहाँ पे छूटा नहीं है, बस इस कंडीशन में जब ये कंडीशन आ जाए तो आप कह देना हाँ भैया क्या है ये, फंस गए बेटा, कॉन्सेप्ट भूल गए। अब बता एक बात बताओ, इतनी जल्दी भूल जाओगे बच्चों तो कैसे करोगे, ये देखो ना आप खुद सोचो बेटा, अगर मेरा यहाँ जीरो है या वन है या माइनस वन है या टू है या माइनस टू है, तो यही सारे नंबर यहाँ भी तो बेटा आपके इंतजार में बैठे होंगे, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी माइनस वन, हाँ तो बेटा खुद समझो ना, इसमें कई सारे एलिमेंट तो हैं जो छूट गए, कई सारे एलिमेंट क्या है छूट गए, और जो छूट गए वो चिल्ला चिल्ला के क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये ऑन टू नहीं है, बस इतनी सी बात थी बेटा, इतनी जल्दी भूलोगे, गजनी में टाइम लगा था 15 मिनट भूलने में, गजनी से भी जल्दी भूल रहे हो तुम, तो नई पिक्चर बनानी पड़ेगी तुम्हारे ऊपर तो है। देखो बेटा तो रेंज इज कोडोमेन ऑफ, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब ये बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई है बेटा, वीडियो के शुरू में बहुत टाइम दे दिया, इतना टाइम मुझे लगता है यूट्यूब पे किसी ने दे रखा होगा, इस बात पे फोकस करते, ठीक। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, बस एक्सक्वायर का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, कुछ बात बदल जाएगी क्या, कुछ भी नहीं बदलेगी, फिर वही खेल होने वाला है, वन रखा टू रखा थ्री रखा फोर नंबर नेचुरल ले लिए, बात खत्म। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं वन लूंगा क्यूब लूंगा तो वन होगी, टू की क्यूब एट हो जाएगी, थ्री की क्यूब 27 हो जाएगी। अब भी तो बेटा वही बात हुई कि यूनिक डोमेन की यूनिक इमेज तो बन रही है, वन वन तो हो गया, इंजेक्टिव तो हो गया, सर्जेक्टिव हो गई नहीं, क्यों, बहुत सारे नंबर रह गए, बहुत सारे नंबर रह गए। तो मैं कह सकता हूँ इस कंडीशन में कि भैया रेंज इज कोडोमेन ऑफ
सॉरी सबसेट ऑफ कोडोमेन है, हम ही फंबल कर रहे हैं यहाँ तो ठीक। बाकी एक बार बेटा ये लिख कर भी दिखा दिया करना, पता चल जाएगा कोडोमेन क्या है, रेंज आपका क्या है, तो इससे आइडिया लग जाएगा टीचर को। वैसे टीचर को तो पता ही आंसर क्या है, बस वो देखना चाहता है आप कितनी अच्छी तरीके से करते हो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई, जेड टू जेड सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, सिर्फ यहाँ पर क्यूब दे दिया, क्या बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, नंबर भी आप वैसे के वैसे ही ले लो, जीरो प्लस माइनस वन ठीक है, और प्लस माइनस टू और प्लस माइनस थ्री, थ्री को छोड़ो टू तक का ही करते हैं। जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, जीरो का क्यूब, माइनस वन रखोगे तो माइनस वन आएगा, प्लस वन रखोगे तो तो प्लस वन आ जाएगा ठीक। अच्छा माइनस वन कैसे आया, ऐसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस ही बन आएगा बेटा। इतनी बात से तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई, जो पहली समझ में आ गई थी स्क्वायर करने से भी समझ में आ गई थी, कि जो भी यूनिक इनपुट मैं दूंगा मेरे को यूनिक इमेज मिलेगा ठीक। और यही क्या है मेरी, यही मेरी क्या है इंजेक्टिव की या वन वन की वो है, क्या है कंडीशन है। लेकिन ओन टू में फिर वही बात हो जाएगी कि भैया मेरे डोमेन में इतने सारे एलिमेंट थे लेकिन रेंज तो कुछ के पास ही जा रही है ना, रेंज तो कुछ एलिमेंट्स के पास ही जा रही है। यहाँ पे बेटा एक मेरा माइनस वन भी होगा ठीक है, मैंने वहाँ पे बनाना भूल गया हूँ, यहाँ माइनस वन वन भी होगा ठीक है। क्यों बेटा, मैंने प्लस माइनस वन लिया है, अगर सिंगल वन लेता तो खाली वन आता, आप वन भी ले रहे ना कोई दिक्कत नहीं, जरूरी है बिल्कुल मेरे ऐसे ही करना है ठीक है। तो रेंज क्या बन गई, सब डोमेन की सबसेट को सबसेट बन गई, क्या बोल दिया मैंने, सब डोमेन बना दिया उसे। तो ये नोट सब्जेक्टिव हो गया। क्वेश्चन नंबर तीन देखो बेटा, ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार देता हूँ अपनी तरफ से। वैसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट घुसाया रखा है इन्होंने कि अगर वो कॉन्सेप्ट आपके पल्ले ना पड़े तो क्वेश्चन बेकार, और अगर वो कॉन्सेप्ट आपके बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन चारों खाने चित। क्या बोल रहा है भाई, दिखाओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन को देख लो। हाँ बेटा ये बोल रहा है कि कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर, प्रूफ करो फंक्शन एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब यार ये बताओ ओन टू है या नहीं है, चेक करना है। अब एक बात बताओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, मुझे तो यही नहीं पता। जब यही नहीं पता तो फिर क्वेश्चन होगा कैसे, तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर ये होता है, ये होता है जो समझाने आना समझ लो। देखो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर क्या कह रहा है, ये बेटा फंक्शन है ठीक, ये नंबर लाइन है मेरी, नंबर लाइन तो आप सब बच्चे जानते हैं। यहाँ पर बेटा नंबर कौन कौन से आते हैं, ऐसे यहाँ पर लूँ तो ये वन है, वन के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरीके से टू तक पहुँचता है, फिर टू के बाद 2.1, 2.3 ये सारे नंबर आते हैं। लेकिन बच्चों ग्रेटेस्ट या ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, वो भैया ऐसा निर्दयी जानलेवा फंक्शन है, इसके अंदर वन डालूँ तो वन आए, अगर 1.1 डालूँ तब भी वन आए, और 1.3 डालूं तब भी वन आए, मतलब 1.9 तक भी चला जाऊंगा ना, तो ये मेरी वैल्यू क्या देगा मुझे निकाल के आगे, वन ही देगा। इसका मतलब दो गैप्स के बीच में जो हमारी शुरुआती वैल्यू है यही देता रहेगा मुझे वो एंड तक भी, जब तक मैं यही वैल्यू ना रख दूं। जब मैं फंक्शन में 2 रखूंगा तो 2 देगा, अगर भैया मैं 2.1 रखूं तो क्या देगा, नहीं फिर भी 2 ही देगा, 2.3 पे भी 2 देगा, 4 पे भी, 3 पे, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी, 8 पे भी, 9 पे भी, तो 3 कब देगा, 3 पे। ये है भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम है ग्रेटेस्ट, वैल्यू दे रहा है कम, है ना, 1.1 तो ज्यादा है ना 1 से, पर दे रहा है 1, है ना। इतनी बात समझ में आ गई, जब आई गई है तो फिर क्वेश्चन बचा ही क्या है अब, ठीक है। अब देखो भैया मैंने इस रियल नंबर से रियल नंबर में डाल दिया, भैया 1.1 भी मेरा रियल नंबर है, 5 भी, 9 भी, मैंने भाई रियल नंबर भी इस हिसाब से ले लिया ग्रेटेस्ट के हिसाब से, 1.1 डाला तो 1 आया, 1.5 डाला तो 1 आया, 1.9 डाला तो 1 आया, 2.1 डाला तो 2 आया, 2.9 डाला तो भी 2 आया, इतने में मेरा काम हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, क्या एवरी डोमेन की एक यूनिक इमेज है, नहीं है, सेम इमेज है, तो ये क्या है मेरा, नॉट वन वन, नॉट इंजेक्टिव। अब बेटा इसी को चला एक बात बताओ मुझे, एक बात मुझे बताओ, और ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, मुझे प्रूफ करके बताओ क्या ये ओन टू फंक्शन है या नहीं, और जो बच्चा कर ले कमेंट में बेटा अपना आंसर डाल देना बस, और नहीं आए तो सॉल्यूशन अगले क्लास में दूंगा।